अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शाम का स्नैक जो कि है चीज़ी पोटैटो ब्रेड पॉकेट्स, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड्स, साथ साथ चीज़, चाहे तो आप मोज़रेला इसको कट कर लें, चाहे तो आप इसकी स्लाइस ले लें, ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैंने दो आलू बॉईल किए हुए लिए, साथ साथ चॉप्ड अनियन, साथ में चॉप्ड यहाँ पर ग्रीन अनियन जो है उसके मैंने लीव्स लिए हैं, कैप्सिकम को कट करके ले लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर कैरेट भी ले सकती हैं यानी गाजर, एक बॉयल एग लिया है मैंने और साथ साथ एक कच्चा अंडा है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आलू को मैश कर लें अच्छी तरीके से। साथ साथ उबले हुए आलू इनको भी अच्छी तरीके से मैश कर लें। मैं इन चीज़ों को हैंड चॉपर में डाल रही हूँ ताकि ईज़ली तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाएं और मिक्स हो जाएं। अब इसमें कटे हुए कैप्सिकम को डालें, साथ साथ हरी प्याज उनको शामिल करें और साथ साथ हरी मिर्च के पत्तों को शामिल करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मैश कर लें। साथ साथ यहाँ हमें चाहिए होंगी ब्रेड, ये कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से कट कर लें। ब्रेड के साइड को इनको फेंकना नहीं है बल्कि या तो इनको ब्रेड क्रम्स बना लें या इसी मिक्सचर में जो हमने आलू और अंडे का बनाया है इसी में शामिल करके अच्छी तरीके से मैश कर लें कि तमाम चीज़ें अंडे और आलू में मिक्स हो जाएं। अब इनको वापस किसी बाउल में डाल लें, साथ साथ यहाँ पर हल्दी जायका नमक शामिल करें, साथ साथ थोड़ी सी काली किसी भी मिर्च शामिल करें और 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर शामिल करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 टीस्पून के करीब सिरका डालें, सेम 1/2 टीस्पून सोया सॉस और इसी तरीके से 1/2 टीस्पून चिली सॉस को शामिल करें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और साथ साथ यहाँ पर मेयोनीज़ को शामिल करें। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब डबल रोटी को बेलन की मदद से बेल लें ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। सेम इसी तरीके से तमाम डबल रोटी को बेल लें। अब इसमें फिलिंग फिल करें जो हमने आलू की बनाई है।
साथ साथ चीज़ के कुछ टुकड़े जो हमने तोड़ के चीज़ की लेयर रखी थी उससे, और चारों तरफ पानी लगाते हुए ब्रेड को एक दूसरे के साथ पेस्ट कर दें, इस तरीके से प्रेस करते हुए। बहुत आसानी से ब्रेड आपस में चिपक जाती है इस तरीके से। सेम मेथड से तमाम ब्रेड में फिलिंग डालें और इनकी पॉकेट्स बना लें ब्रेड की। अब जो एक अंडा जो हमने कच्चा लिया था इनको तोड़कर इनमें थोड़ा सा नमक और हसबे जायका थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करें और अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लें। अब हमने एक बॉल में ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड के बनाए हुए पॉकेट को सबसे पहले अंडे में डिप करें, साथ साथ ब्रेड क्रम्स में डिप करते हुए अच्छी तरीके से कोट कर दें। सेम मेथड से तमाम ब्रेड को पहले अंडे में और साथ में ब्रेड क्रम्स में लगाते हुए इनमें कोटिंग कर दें। या मेरे ट्रायंगल शेप के भी पॉकेट बनाइए, आप चाहे तो किसी भी शेप में, चाहे स्क्वायर, ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप में ब्रेड की पॉकेट्स बना सकते हैं, जो बच्चों को अपील करती हो। अब एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करें, यहाँ मैंने शैलो फ्राई करना है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लेम पर इसको पहले एक साइड से फ्राई करें, फिर इसकी साइड को टर्न करते हुए दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर दें। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पोटैटो पॉकेट बनती है। आप अपने बच्चों को चाहें तो स्कूल के लंच बॉक्स में या फिर इवनिंग में या ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। लीजिए, मज़ेदार किस्म की चीज़ी पोटैटो एग पॉकेट तैयार हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व करें और अपने शाम के टाइम को और मज़ीद खूबसूरत बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ साथ शेयर करें और अपना फीडबैक देते हुए इस पर कॉमेंट करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी दौर हेल्दी यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।